फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फेस्टिवल सीजन में मिठाई तो बहुत ज़रूरी रहती है, इसके बगैर तो सब कुछ अधूरा है और समय भी कम रहता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही कम समय में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बंगाली मिठाई मलाई चौप की रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी बहुत लगती है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और कू ऐप पर फॉलो कर सकते हैं और उसके हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस बार बाजार से खरीदने के बजाय मिठाई घर पर बनाइए, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप दूध और फिर इसके बाद हम डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें डालेंगे डेढ़ बड़े चम्मच घी, यानी कि 1.5 टेबल स्पून घी डालेंगे इसमें और फिर इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब एक पैन लेंगे और इसमें इस मिक्सचर को डाल देंगे और गैस की फ्लेम हम ऑन कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें ठीक होने तक पका लेना है। ठीक होने का मतलब जब तक कि ये पैन बिल्कुल छोड़ न दे, बिल्कुल मावा इसका रेडी ना हो जाए, तब तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। और ये देखिए धीरे धीरे ये ठीक होने लगा है और ये बिल्कुल पैन छोड़ दिया। अब इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 2 बूंद येलो कलर और इसे मैंने आधी छोटी चम्मच दूध में मिक्स करके डाला है और इसके साथ ही इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस। अगर केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप रोज एसेंस डाल सकते हैं और इसे भी बस 2 बूंद ही हमें डालना है। याद रखिए केवड़ा एसेंस को ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप येलो कलर नहीं यूज करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप केसर यूज कर सकते हैं। अब एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप चीनी और साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप से थोड़ा सा कम पानी और फिर गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे हमें एक तार की चाशनी बनानी है। और ये देखिए चेक करने के लिए फिंगर से टच कीजिए तो ये एक तार, ये देखिए एक तार बन रहा है, हल्का सा चिपचिपा भी लग रहा है। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे भी हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2 बूंद केवड़ा एसेंस, 2 बूंद से ज़्यादा नहीं डालेंगे और इसे मिक्स कर देते हैं। अब हम एक दूसरा बोल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप दूध और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मिल्कमेड। ये होममेड मिल्कमेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। और अगर आप मिल्कमेड नहीं डालना चाहते हैं तो दूध को थोड़ा गैस पर गर्म करके इसे थिक कर लीजिए। अब इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्कमेड डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मिल्कमेड और दूध बिल्कुल अच्छे से मिक्स मिल जाए। तो चलिए अब सारी प्रिपरेशन हो गई। अब हम लेंगे मेन इंग्रेडिएंट्स, यानी कि हम ब्रेड लेंगे। यहाँ पर मैंने 6 पीस वाइट ब्रेड लिया है और वाइट ब्रेड को हमें गोल कट कर लेना है और इसके लिए मैं यहाँ पर ग्लास से कट कर रही हूँ, आप कुकी कटर से भी काट सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमें ब्रेड का सारे सर्कल निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड को काट लिया है। अब मैंने जो मिल्क मिक्सचर को रेडी किया है उसमें ब्रेड के पीस को डिप करेंगे और फिर निकाल कर प्लेट में रखते जाएंगे और इसे हमें स्क्वीज बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से हम ब्रेड के पीसेस को, सारे ब्रेड के पीसेस को हम डिप दूध मिल्क मिक्सचर में डिप करेंगे और निकाल कर रखते जाएंगे।
अब मैंने जो मिल्क पाउडर से मावा बनाया था उससे हम थोड़ा सा लेंगे और ब्रेड पर इस तरह रखेंगे, और आप चाहें तो इस तरह से हाथ पर पहले इसकी बॉल बना लें और फिर इसको भी सर्कल में इस तरह से थोड़ा चिपटा कर लें, फ्लैट कर लें, और उसके बाद इसे ब्रेड के ऊपर हम रख देंगे। ब्रेड का साइज का बना लें और फिर ब्रेड के ऊपर रख लें। इसी तरह से तीन ब्रेड के ऊपर हम रखेंगे और फिर तीन जो एक्स्ट्रा ब्रेड है जिसे मैंने दूध में डिप करके रखा है उससे इसको कवर कर देंगे। और अब ये तीनों ब्रेड रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर जो दूध का मिक्सचर बच जाता है उसमें से थोड़ा थोड़ा मिल्क मिक्सचर हम इसके ऊपर डाल देंगे, और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे सिल्वर लीव्स यानी चांदी का वर्क हम लगाएंगे, तभी तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा दिखने में भी लगेगा और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी तरह से हम दोनों पर लगा लेंगे और इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, फटाफट बन जाता है। अब हम इसे बीच से कट कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही लाजवाब मिठाई बनकर रेडी हुई है। अब हम चाशनी लेंगे जो मैंने रेडी करके रखा था, और इसे एक प्लेट में जिसमें आपको इसे रखना है मिठाई को उस प्लेट में इसे डालेंगे। दो बड़े चम्मच चाशनी को हम इसके ऊपर डाल देंगे और फिर एक एक करके हम इसमें सारे स्वीट्स को इसके ऊपर रख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नीचे मैंने चाशनी क्यों डाला है, लेकिन जब ये मिठाई बन जाए तो इसके नीचे और ऊपर से चाशनी थोड़ा सा जरूर डालिए, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बिल्कुल बाजार जैसा मलाई चाप बनकर रेडी होता है। और इस मिठाई को ठंडा ही सर्व कीजिए, इसलिए जब भी आपको इसे खाना हो एक घंटे पहले बनाकर फ्रिज में रख दीजिए और फिर ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, फिर देखिए आपको कैसी तारीफ मिलती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और वीडियो के नीचे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और कू ऐप पर फॉलो कर सकते हैं और उसके हैंडल्स दिए हुए हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड कीप कुकिंग।